डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में जो आगे चल के डॉक्टर बने, दो बातें नहीं छूटी। एक, अपनी पढ़ाई में हमेशा अपने विद्यालय के पहले 10 बच्चों में आना, और दूसरी बात, देश के लिए जो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें तन मन धन पूर्वक, धन तो पास में नहीं था, तन मन पूर्वक सहभागी होना। तो सार्वजनिक जीवन की दीक्षा बचपन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर गई। आगे चल के वंदे मातरम आंदोलन चला। उस वंदे मातरम आंदोलन को और नागपुर के विद्यालयों में संगठित करने का काम करने वाले अग्रणी टोली में डॉक्टर हेडगेवार थे। तो स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्येक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोषणा से होता था। तो स्वाभाविक, उस समय की सरकार बिफर गई, नागपुर के सारे स्कूल उन्होंने बंद कर दिया और खोज शुरू की, कौन है इसको करने वाले। लेकिन इतना अद्भुत संगठन उन्होंने बनाया था कि 4 महीने हो गए लेकिन नाम बाहर नहीं आया कोई भी। अंत में फिर छात्रों के अभिभावक, सरकारी लोग, सबने मिलके एक कॉम्प्रोमाइज निकाला कि विद्यालय खोले, बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते समय गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे और हर एक को पूछेंगे गलती हुई ना, तो मुंडी हिला के हाँ कहना, इतनी नॉमिनल अपोलॉजी के साथ प्रवेश मिलेगा। लेकिन नागपुर में 2 विद्यार्थियों में ये नॉमिनल अपोलॉजी देने का भी नकार दिया। उसमें एक केशव हेडगेवार थे,